तकरीबन रात के 12 बजे होंगे और ज्योति अपने पापा का इंतज़ार कर रही होती कि अचानक किसी के हंसने की आवाज़ आती है। कैसे हो? ज्योति खिड़की से अपने देखती है तो उसके पापा बाहर खड़े होते हैं और वो किसी से बात कर रहे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर ज्योति दौड़कर अपने पापा के पास जाती है। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल अन्नू टेक्निकल में। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, फाइनली क्रोमाटून की एक बिग अपडेट आ चुकी है। पर दोस्तों जो अपडेट आई है बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। इसमें जो हमें 6 से 7 करेक्टर जो है बिल्कुल हमको बहुत ही बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं और बहुत ही अच्छे करेक्टर देखने को मिलेंगे। और साथ साथ दोस्तों इसमें बहुत सारे नए एनिमेशन भी ऐड हो चुके हैं। जैसा कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे और कंप्यूटर में अपना जो कार्टून वीडियो बनाओगे टाइप के जो एनिमेशन वो क्रोमाटून में आ चुके हैं। और दोस्तों बहुत ही गजब का जो अपडेट है वो आया हुआ है क्रोमाटून वालों के लिए। दोस्तों बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्रोमाटून में जो हमारे एनिमेशन है वो इतने स्मूथ नहीं होते हैं। दोस्तों अब जो ये अपडेट क्रोमाटून लेकर आया है इसमें बहुत ही अच्छे और स्मूथ एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। हंसने का, रोने का और लेटने का और दौड़ने का बिल्कुल नए नए एनिमेशन आ चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन करेक्टर को आप कैसे ले सकते हो और वो एनिमेशन कैसे यूज कर सकते हो। क्या तो इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। दोस्तों इस तरह का एनिमेशन और इस तरह का कार्टून करेक्टर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्रोमाटून एप्लीकेशन में चले जाना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं क्रोमाटून एप्लीकेशन में। अब दोस्तों हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखिए लिख कर आ रहा है ट्यूटोरियल। तो आपको सिंपली इस ट्यूटोरियल पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्रोमाटून वेबसाइट में आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का आ चुका है। आने के बाद दोस्तों आप ऐसे करके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, ऐसे करके चले जाएंगे। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऐसे नीचे चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको कुछ देखने को मिलेगा, डाउनलोड PSD फाइल, कस्टम करेक्टर, टेक्चर सेटअप डाउनलोड। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको लिखा दिखेगा हैंड ऑब्जेक्ट टेक्सचर सेटअप और यहाँ पर लिखा हुआ मोर फ्री बैकग्राउंड्स एंड करेक्टर्स। तो यहाँ और यहाँ पर लिखा हुआ मोर फ्री करेक्टर्स। तो आपको सिंपली यहाँ पर मोर फ्री बैकग्राउंड्स एंड करेक्टर्स पर आपको ऐसे करके क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, यहाँ से आपको ऐड देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कितने अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए बहुत सारे बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको बैकग्राउंड है जो आ चुके हैं। क्रोमाटून का जो अपडेट है बहुत ही अच्छा अपडेट आया हुआ है। यहाँ देखिए कई बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए हम, अब दोस्तों यहाँ पर देखो बात आती है करेक्टर की। दोस्तों देखिए हम जाते हैं बैक, आपको सिंपली बैक चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोर फ्री करेक्टर्स। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए कुछ करेक्टर्स आपको यहाँ पर नीचे साइड ये देखिए आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए स्पेशल करेक्टर्स यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर इस तरफ डॉक्टर का करेक्टर आया है, लेडीज़ का करेक्टर एक नया आया हुआ है और यहाँ पुलिस का एक करेक्टर नया आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कई करेक्टर मतलब 5, 6 से 7 करेक्टर जो हैं बिल्कुल नए आए हुए हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों सीधे नीचे साइड आप चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर करेक्टर, यहाँ देखिए स्पेशल करेक्टर लेडी एंड सलवार एंड सूट। तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा ये देखिए। और यहाँ पर एक ही करेक्टर का देखिए की कोड वगैरह दिया हुआ है लेडीज इन सारी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सारे करेक्टर्स का जो की कोड और नेम दिया हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अब इनको लेना कैसे आपको ये चीज़ समझ लेनी है। तो लेने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको देखिए हम दिखा देते हैं। तो यहाँ से हम देखिए सबसे पहले एक करेक्टर ले लेते हैं, कोई सा भी एक करेक्टर को हमको सिंपली क्या करना है, कॉपी कर लेना है। तो दोस्तों देखिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये डॉक्टर के करेक्टर को हम ऐसे करके कॉपी कर लेंगे और आपको इसका नेम और की कोड दोनों कॉपी कर लेना और फिर यहाँ से देखिए हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोस्तों देखिए हम जाएंगे क्रोमाटून एप्लीकेशन में। देखिए इसको मिनिमाइज कर लिया है। अब दोस्तों देखिए हम आ चुके हैं क्रोमाटून एप्लीकेशन में। यहाँ लेट्स स्टार्ट पे चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ से ओके कर देना। अब यहाँ पर आपको 4 करेक्टर पुराने वाले दिखेंगे और हमको नया करेक्टर ऐड करना है। तो यहाँ SP का देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्पेशल करेक्टर का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी जो की कोड है वहाँ पर सेव करके रखा हुआ है, यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। देखिए कुछ इस टाइप का आएगा, ये देखिए हमने ऑलरेडी की कोड यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ हम क्लिक करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। देखिए ये हमने लिख के रखा हुआ पहले से सेव करके, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सब ब्लैंक मिलेगा। तो ये देखिए ऐसे करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद दोस्तों ये देखिए आपको पीछे का ये की कोड ऐसे करके डिलीट कर देना है, ये देखिए, ठीक है। ऐसे करके आपको डिलीट करना है और इसका देखिए ये सिर्फ नेम है, सिर्फ नेम ही लेना है, ओके करना है। अब दोस्तों ये देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम इसको डिलीट करेंगे।
और इस पर देखिए ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए हम इस पर क्लिक करके हमको सिर्फ की कोड ही लेना है। यहाँ पर देखिए हमको की कोड लेना है सिर्फ, ठीक, की कोड लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आप यहाँ से इंपोर्ट करोगे तो एक ऐड देखने को मिलेगा और आपका जो करेक्टर है वो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना, अगर यहाँ पर देखिए जैसे मैंने सेव करके रखे हुए हैं की कोड वगैरह ये करने हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेव की कोड, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसमें डालेंगे यानी फिल करेंगे और उसके बाद सेव की कोड कर देंगे तो आपका जो करेक्टर का जो की कोड है और नेम है वो सेव हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इंपोर्ट देखने को मिलेगा, आपको इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो ये करेक्टर ये देखिए ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको ये करेक्टर देखने को मिल रहा होगा, ये हमारा करेक्टर ऐड हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए स्पेशल फिर से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ जैसे इंपोर्ट कस्टम, यहाँ पर इंपोर्ट पर जैसे की कोड भर के अपना इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपको एक ऐड देखने को मिलेगा और आपका जो करेक्टर है वो इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए हम यहाँ से एक करेक्टर और इंपोर्ट करा के दिखा देते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एक और करेक्टर है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब दोस्तों देखिए इनका एनिमेशन हम आपको दिखा देते हैं। बाकी देखिए ये वाले जो करेक्टर हैं, ये वाले जो करेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, इनको हम यहाँ पर जाकर ये सारे करेक्टर को ऐसे करके हाइड कर देंगे। देखिए हम पहले इसको इनको हाइड कर देंगे फिर इनका एनिमेशन भी करके दिखाएंगे, देखिए कितना अच्छा था। ये देखिए हमारा जो करेक्टर है हम इनका एनिमेशन करके दिखाएंगे, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको हम ऐसे करके फ्लिप कर लेंगे। ठीक है, फ्लिप करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये दोनों बात करेंगी, तो बात करने वाला एनिमेशन करने के लिए ये देखिए बहुत सारे एनिमेशन, बिल्कुल नए नए एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको ये सारे एनिमेशन चेक कर लेने, यहाँ पर बहुत सारे नए एनिमेशन आए हुए हैं, तो आपको देखिए 6 नंबर का एनिमेशन हम कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का टॉक करने लगेगी जैसा कि पिछले कैरेक्टर्स में था, तो ये नॉर्मल ही था इसी टाइप का, जो एक पिछले वाले में भी आपको देखने को मिलेगा इस करेक्टर्स में कि इसी टाइप का जो एनिमेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एनिमेशन अच्छा कर दिया, स्मूथ कर दिया। अब दोस्तों यहाँ देखिए हम और भी एनिमेशन दिखा देंगे आपको। ये देखिए हम इस पर जाएंगे, जाने के बाद दोस्तों एक एनिमेशन देखिए बिल्कुल नया ऐड हुआ है हंसने का, तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए कितना अच्छा सा आपको हंसते हुए देखने को मिलेगा, आपका जो करेक्टर है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितना अच्छा सा हंस रहा है। अब दोस्तों देखिए हम इसको, पहले हमको क्या करना था, इसके चेस्ट पर क्लिक करते थे तभी जो हमारा एनिमेशन है वो चेंज हुआ करता था। अब दोस्तों ऐसा नहीं, अब इसके पेट पर यानी स्टोमच पर यानी पेट पर आपको क्लिक करना है तभी इसका जो एनिमेशन है वो चेंज होगा। ये देखिए इसका एनिमेशन चेंज हुआ। ये देखिए पेट पर क्लिक किया, ये देखिए हंसते हुए आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इस पर क्लिक करना है, इसका भी देखिए आपको अगर एनिमेशन कोई सा भी लेना है, बहुत सारे एनिमेशन जो है बिल्कुल नए ऐड हुए हैं। ये देखिए आँख बंद करने वाला है, सोने वाला एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए और भी एनिमेशन हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इसका भी टॉक करने वाला एनिमेशन है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए हम दिखा देंगे बहुत सारे एनिमेशन बिल्कुल नए ऐड हुए हैं। या देखिए 10 नंबर का एनिमेशन, ये देखिए रनिंग का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, कितना अच्छा सा रनिंग का एनिमेशन देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए कितना सा अभी तक क्रोमाटून में इस टाइप का जो एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी ये क्रोमाटून ने इतनी अच्छी अपडेट लाई है जिससे आप अपना कार्टून वीडियो को और भी बेस्ट क्वालिटी का बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों और भी बहुत सारे एनिमेशन यहाँ पर ऐड हुए हैं जो कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए स्लो चलने वाला भी एनिमेशन है, जिस टाइप का आप करना चाहो यहाँ से बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस टाइप का जो एनिमेशन अपना कर सकते हो। ये देखिए एक ये है पीछे बैक वाला, मतलब लुक बिहाइंड वाला जो एनिमेशन था, तो ये देखिए कुछ इस टाइप का जो एनिमेशन है क्रोमाटून ने न्यू अपडेट में यहाँ पर कर दिया। ये सारे करेक्टर आपको स्पेशल करेक्टर्स में यहाँ SP, जहाँ पर SP लिखा हुआ है, आपको ये देखिए यहाँ पर जाकर ही आपको इनमें की कोड फिल करना है। यहाँ पर देखिए हमने की कोड ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, तो आपको वहाँ से कॉपी कर लेना, कॉपी करके यहाँ पर। दोस्तों इस तरह का जो बहुत ही अच्छे अच्छे जो एनिमेशन है इसमें आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे जो करेक्टर हैं वो आ चुके हैं। क्रोमाटून का जो ये अपडेट है वो मुझे बहुत ही मस्त और बहुत ही झकास लगा हुआ है, जो अपना कार्टून वीडियो बनाने के लिए आप बहुत ही मस्त और बहुत ही झकास लगा है मुझे ये अपडेट, और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी जितनी वीडियो है सब क्रोमाटून से ही रिलेटेड हैं। तो अब ये देखिए जो बिल्कुल नया न्यू अपडेट आए हुए हैं, ये अपडेट बहुत ही मस्त अपडेट आया हुआ है। तो इस तरह अपना जो आप कार्टून वीडियो है वो आप बना लेंगे, और बनाने के बाद अपने चैनल पर जब अपलोड करेंगे तो इस तरह के एनिमेशन देखकर लोग बिल्कुल सोचेंगे कि आपने कंप्यूटर से ही बनाया है। तो आप भी इस तरह का जो अपना कार्टून वीडियो है वो अपने क्रोमाटून के न्यू अपडेट से बना सकते हो और अपने चैनल पर अपलोड करके अपने चैनल को बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हो। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो इससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरह क्रोमाटून के न्यू अपडेट की जानकारी और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।